हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि ठंडे पानी यानी कि कोल्ड वाटर से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कोल्ड वाटर से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अब हम बात करेंगे कि ठंडे पानी से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सो सबसे पहले है कि जब भी हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो हम बिल्कुल ही चुस्त रहते हैं और हमें बिल्कुल भी आलस नहीं आता, और हम जो भी काम करते हैं उसमें अपना 100% भी दे पाते हैं। और सेकंड नंबर पे है, जब भी हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो हमारी सांसें तेज़ चलती हैं और हमारी धड़कनें भी तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा रक्त संचार भी बहुत ही तेज़ हो जाता है। उस टाइम तो स्लो हो जाता है, उसके बाद तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कोई भी बीमारियां नहीं लगती और हम बिल्कुल भी स्वस्थ रहते हैं। और थर्ड नंबर पे है, हमारा रक्त साफ भी हो जाता है कि हमारा ब्लड को भी साफ़ कर देता है जब भी हम ठंडे पानी से नहाते हैं। और फोर्थ नंबर पे है, और हमारे जो भी बाल होते हैं हमारे हेयर को बिल्कुल काला कर देता है, बिल्कुल ब्लैक कर देता है, और ये भी हमारे बहुत ही बड़ा फ़ायदा हमारे लिए ठंडे पानी से नहाने का। और पाँचवें नंबर पे, खुजली और जलन भी दूर कर देता है। तो जब भी आपको कहीं पे जल जाओ या कुछ भी हो जाए, आपको जलन महसूस हो या आपको कहीं पे खुजली हो, तो ठंडे पानी से नहा लो या उस जगह को धो लो, उसके बाद आपकी ठंड आपको बहुत ही राहत मिलेगी और आपका खुजलीपन और आपकी जलन भी दूर हो जाएगी। सो सिक्स नंबर पे, पिंपल्स भी हटा देता है। अगर आपको कोई पिंपल्स हो गया आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे कहीं पे भी, तो आप ठंडे पानी से नहाएं और जिसकी वजह से आपका पिंपल भी हट जाएगा, साफ हो जाएगा। और सातवें नंबर पे, हमारा मोटापा भी कम करता है। जब भी हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो हमारा मोटापा भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और ये भी हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है ठंडे पानी से नहाने से। और एट नंबर पे है, हमारा दिमाग भी ठंडा रहता है और हम अच्छी तरह सोच पाते हैं और सारे काम अच्छी तरह कर पाते हैं। और अगर आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता तो आप ठंडे पानी से नहा सकते हो, उसके बाद आपका दिमाग भी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और आप अच्छी तरह पढ़ भी पाओगे। ये थे हमारे फ़ायदे ठंडे पानी से नहाने के। सो अब बात करते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। सो जब भी आप बीमारी में, अगर आप बीमार हो तो आप ठंडे पानी से नहा रहे हो तो आप और भी ज़्यादा बीमार हो सकते हो। सो कभी भी आप बीमार हो तो ठंडे पानी से मत नहाओ। और सेकंड नंबर पे, जब भी आपको जुकाम हो तब भी आप ठंडे पानी से मत नहाओ, क्योंकि इससे आपका जुकाम जम जाएगा और आप बहुत ही परेशान हो जाओगे। सो थर्ड नंबर पे, हमारे बाल बिल्कुल भी साफ़ नहीं करता सर्दियों में। अगर आप सर्दियों में ठंडे पानी का यूज़ करते हो तो उस टाइम पे हमारे बाल को अच्छी तरह साफ़ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे बाल और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। सो फोर्थ नंबर पे, कभी भी बच्चों को ठंडे पानी से मत नहलाओ सर्दियों में, क्योंकि उससे बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो सकते हैं। सो कोशिश करो जब भी आप बच्चों को सर्दियों में नहलाओ तो उन्हें हमेशा गुनगुने पानी से नहलाओ, इससे भी हमेशा स्वस्थ रहेंगे, और अगर आप ठंडे पानी से नहलाओगे तो जल्दी बीमार हो जाएंगे। सो ये थे हमारे ठंडे पानी से नहाने के नुकसान। सो ये थे हमारे ठंडे पानी से होने वाले फ़ायदे और नुकसान। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाथ फॉर सक्सेस। थैंक यू।